दोस्तों नमस्कार। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान में आपको कोई बदलाव करना है तो उससे पहले एक बड़ा क्राइसिस होना जरूरी है। हम एज ए समाज कभी भी प्रोएक्टिव स्टैंड नहीं लेते हैं। जब तक समाज में कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए तब तक हम लोगों की नींद नहीं खुलती। यही स्थिति है जब हम मेडिकल सर्विसेज की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन की बात करते हैं। तो जिस तरह से कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद जिस तरह से देश में माहौल गरमाया है, यहां तक कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी सुमोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा है और आज उस पर उन्होंने सुनवाई करी। इससे ये लगता है कि शायद हम लोग, जब तक देश में बर्बादी ना हो, हम लोग जागते नहीं। लेकिन अगर जाग गए तो शायद उसके बाद जो कार्रवाई करते हैं, शायद उससे कुछ सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन जब ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में आया और जब चीफ जस्टिस ने इस मामले का संज्ञान लिया तो अलग अलग पक्षों की तरफ से बहुत सारी दलीलें दी गई। आज उसकी चर्चा जरूरी है और उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, अगर नेशनल टास्क फोर्स ने प्रैक्टिकल और सही सजेशन दिए तो मुझे लगता है कि देश में सभी हॉस्पिटल्स की स्थिति में सुधार होगा। और इसके लिए जवाबदेह बनाया जाएगा दोनों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों या सरकारी हॉस्पिटल हों, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को। और मुझे लगता है कि उसकी चर्चा जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुधार होंगे। और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स में सुधार नहीं होते जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो कहा जाता है या उनका जो आदेश होता है वो कानून के बराबर होता है, ये संविधान में उसकी व्याख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इन बातों में सुधार नहीं हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं अपने जिले के हॉस्पिटल के खिलाफ और वहां से आप उस हॉस्पिटल में सुधार की मांग कर सकते हैं। तो चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, आपके पक्ष में फैसला देगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें हॉस्पिटल्स में सुधार देखने को मिले, लेकिन उसके लिए आपको और हमको जागरूक रहना जरूरी है। कहीं पे भी अगर कमी दिखती है तो आपको उस बात को उठाना जरूरी होगा। अब वो बातें क्या हैं, अब वो चर्चा में आपके साथ करने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसके अंदर दो स्तर पर हॉस्पिटलों में सुधार की बात कही गई। पहला कि हॉस्पिटलों में किस तरह से जो वॉयलेंस होता है, जो डॉक्टर्स के साथ हाथापाई होती है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, उसको कैसे रोका जाए, और साथ ही साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके साथ ज्यादा बदतमीजी होती है, इसीलिए इस गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी होगा। और दूसरा है कि किस तरह से एक पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर सभी हॉस्पिटलों के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बंगाल में हंगामा हो गया या दिल्ली में हो गया या किसी और शहर में हो गया, वहीं के लिए प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं होगा। अब जो प्रोटोकॉल बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा। इसलिए आप जिस भी जिले में रहते हैं, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सबको ये करना जरूरी होगा। और उसका पर्पस है कि डिग्निफाइड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल मेडिकल स्टाफ, जिसमें इंटर्न्स, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, नर्सेज, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हॉस्पिटल्स में हैं, चाहे वो टेक्नीशियन भी हैं, आप उनके साथ मारपीट नहीं कर सके। तो पहला जो था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल एंड प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी हो। आज आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई गार्ड नहीं होता, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता, कोई भी घुस जाए, 10-15 लोग गुंडागर्दी करते हुए हॉस्पिटल में घुस जाए, कोई उनको रोकने वाला नहीं। इस बात को समझना होगा और यही कारण है, और खासकर इमरजेंसी रूम्स जहां पे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं या ऑपरेशन थिएटर्स, इंटेंसिव केयर यूनिट जहां पे हमेशा गंभीर अवस्था में लोग आते हैं, वहां पे चांसेस ऑफ डेथ बहुत ज्यादा होते हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं, अगर कोई साथ में पेशेंट आया, किसी कारण से उसकी डेथ हो गई, तो वो समझते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ की गलती थी और वहां मारपीट तोड़फोड़ शुरू हो जाती।
ऐसी जगहों के लिए ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम करना जरूरी है। दूसरा, हॉस्पिटल में जितने लोग आते हैं क्या उनकी बैग की स्क्रीनिंग होती है? अभी तक तो हम एयरपोर्ट में देखते थे, सरकारी ऑफिसर्स में देखते थे, लेकिन हॉस्पिटल का क्या? सवाल अब इस बात का है कि हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति चक्कू लेके आ रहा है, डंडा लेके आ रहा है, कोई और धारदार वस्तु लेके आ रहा है, आप उसको कैसे रोकेंगे? स्क्रीनिंग तो हो नहीं रहा, और यही कारण है कि मारपिटाई ज्यादा होती है, और यही कारण है कि इसको अब कंट्रोल करने के लिए आदेश दिया गया है कि बैगेज और पर्सन स्क्रीनिंग सिस्टम लगाने होंगे। कोई भी आदमी आंख बंद करके नहीं घुस सकता, बैग में क्या लेके आ रहा है, कुछ चीज छुपा के तो नहीं ला रहा, ये सब देखना होगा। शराब पिए हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में घुसने से मनाई होगी। आप रिश्तेदार हैं, आप नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई शराब पी के एक्सीडेंट हो गया है, कोई पेशेंट के रूप में जा रहा है, सिर्फ उसको अलाउ होगा। लेकिन अगर आप रिश्तेदार हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, आपने शराब पी हुई है, आपको जाना मना होगा। इस बात को समझना होगा। और सीधी सी बात है कि जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको इस बात को समझाना होगा, उनको सिखाना होगा कि क्राउड को कैसे मैनेज करें। इसका मतलब उनके पास सारी सुविधाएं होंगी, प्लस लोकल पुलिस की भी वो हेल्प ले सकते हैं। ये सारी बातें उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में होंगी। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि वहां मरीजों के लिए ही पूरा संसाधन नहीं होता है, लेकिन जो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे सुधार आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो सेपरेट रेस्टिंग रूम और ड्यूटी रूम होंगे, मेल डॉक्टर्स के लिए अलग, फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग, आपको उनका इंतजाम करना होगा अगर आप हॉस्पिटल हैं तो। मेल नर्सेस, फीमेल नर्सेस, जेंडर न्यूट्रल के लिए कॉमन रेस्टिंग प्लेस, आपको हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के हिसाब से रेस्टिंग प्लेस देनी होगी। ये नहीं कि वो पेशेंट के पास ही कुर्सी मेज पे लुढ़के हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, कुर्सी पे सो रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा। उनको आपको ढंग का इंतजाम करके देना होगा। और जो रूम है वो ये नहीं कि आप कोई भी कमरा खोल के दे दें, वेल वेंटिलेटेड होगा, सफिशेंट बेड स्पेसेस होंगी, वहां पे पीने के पानी की सुविधा होगी, और सिक्योरिटी का इंतजाम होगा, एक्सेस कंट्रोल होगा, कोई भी उनके स्टाफ के रूप में वहां घुस नहीं सकता है। इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर ड्यूटी पे हैं उनके लिए भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे आप एक्सेस कंट्रोल रखेंगे, आप फिंगरप्रिंटिंग या फेस रिकॉग्निशन, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में कुछ खास लोगों को ही जाने दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टाफ का आदमी कहीं पे भी चला जाए, जिसको जहां जाना होगा वही जाएगा, उसी को एक्सेस कंट्रोल मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हॉस्पिटल्स इस बात को सुनिश्चित करेंगे या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को ही डिफंक्ट कर देंगे या उसकी ही पीछे से कनेक्शन काट देंगे ताकि कोई भी आ जाए। दिखाने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए तो कहेंगे एक्सेस कंट्रोल है, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म होगा पीछे से तारे निकाल दिए जाएंगे कि कोई भी आए कोई भी जाए, क्योंकि डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम है कि साहब हम कितनी बार फेस रिकॉग्निशन कराएं, कितनी बार थंब इंप्रेशन दें, क्योंकि हर आदमी अपने आप को VIP ट्रीट करता है, ये प्रॉब्लम आएगी। CCTV कैमरे हर हॉस्पिटल के एंट्रेंस पे होंगे, एग्जिट पे होंगे, और कॉरिडोर्स में जितने भी पेशेंट्स के आने जाने के रास्ते हैं सब जगह CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और अगर मान लीजिए हॉस्टल्स जो इंटर्न्स के या डॉक्टर्स के हॉस्टल्स हॉस्पिटल के करीब नहीं है, बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, दूर है, तो आपको रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप पैदल चले जाइए, रिक्शा कर लीजिए, साइकिल पे चले जाइए, स्कूटर पे चले जाइए, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देनी होगी जो इस्तेमाल करना चाहता है। आप मना नहीं कर सकते कि आपको अपना ही इंतजाम करना होगा। आपकी फैसिलिटी का इंतजाम नहीं करना वो उसका डिस्क्रिशन होता है, लेकिन हॉस्पिटल को फैसिलिटी देनी होगी, जैसे मीडिया हाउसेस में होता है, बाकी ऑफिसेस में होता है कि नाइट शिफ्ट के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाता है, अब डॉक्टर्स के लिए भी करना होगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोशल वर्कर्स ट्रेंड इन क्राइसिस काउंसलिंग एंड ग्रीफ काउंसलिंग एट ऑल मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स। जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं कि भाई जिसके परिवार में मौत हो गई, कोई एक्सीडेंट का केस है, कोई दुखी है, उसको आप काउंसलिंग कैसे करेंगे? अगर आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो हंगामा कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए स्पेशलिस्ट लोगों को हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा।
वर्कशॉप की जाएगी एम्प्लॉयज की, ताकि वो किस तरह से मरीजों की अगर मौत होती है तो किस तरह से उसकी सूचना दें, किस तरह से कम्युनिकेट करें। जब किसी की मौत होती है आप उसको लाइन में लग जाओ, आपने मुन्ना भाई देखी होगी, उस स्थिति के अंदर आपको पता था कि किस तरह का क्राइसिस हुआ है कि जब पेशेंट मर रहा है आप उसको कह रहे हो फॉर्म भरे। इसी तरह से डेथ के बाद आप फॉर्म भरवा रहे हो, दुखी कर रहे हो उनके रिलेटिव्स को, आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो, तो निश्चित रूप से गुस्सा आता है, तोड़फोड़ होती है, हंगामा हो सकता है। उसको कैसे हैंडल करें इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। हर हॉस्पिटल के अंदर एक एम्प्लॉय सेफ्टी कमेटी होगी जो सारे स्टाफ के रिप्रेजेंटेशन को लेकर चलेगी, और उस कमेटी का क्वार्टरली ऑडिट होगा और इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी ऑडिट होगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको पता होगा कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के जो NABH, जो QCI के अंडर कोई भी हॉस्पिटल NABH का सर्टिफिकेशन लेता है, अब उसमें इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी एक मैंडेटरी ऑडिट होगा। पहले तो आप सिर्फ इक्विपमेंट देखते थे, हॉस्पिटल की लेबोरेटरी देखते थे, बाकी पेशेंट की सुविधाएं देखते थे, अब आपको डॉक्टर्स की सेफ्टी भी ऑडिट करनी होगी, और ये एक रिक्वायरमेंट बना दी गई है, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। इसी के साथ आपको मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर आपको पुलिस पोस्ट भी बनानी होगी, डिपेंडिंग अपॉन वहां लोग कितने हैं, बेड्स कितने हैं, फैसिलिटी कितनी है और फुटफॉल कितना है। जैसे बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में एक पुलिस बूथ होता है, आपको उसके लिए एक मानदंड बनेगा, और ऐसे हॉस्पिटल्स में पुलिस बूथ होना मैंडेटरी होगा। दूसरी तरफ जो सेक्सुअल वायलेंस की बात थी, इसको लेके कानून है भारत में, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वेमेन एट वर्क प्लेस, उसके तहत अब हर हॉस्पिटल में आपको एक कमेटी बनानी होगी, ताकि किसी भी तरह की कोई हॉस्पिटल लेडी स्टाफ को दिक्कत होती है और वो कंप्लेंट करती है तो उसकी जांच वो कमेटी करेगी। अब ये डायरेक्टर का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कमेटी एक महिला द्वारा होती है, 50% से ज्यादा उसके मेंबर महिलाएं होती हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं, ताकि किसी भी तरह से उस इशू को कवर अप ना किया जाए, और ये बहुत जरूरी है। ये एम्प्लॉयर जो भी, चाहे वो सरकार है प्राइवेट है, उसकी सेक्शन 19 के तहत ये ड्यूटी है कि आप सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाएं अपनी वर्क प्लेस में और लोगों को बताएं कि किस तरह की आपको जरूरतें करनी है। और साथ ही साथ हर मेडिकल इंस्टीट्यूशन में मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए 24/7 हेल्पलाइन बनानी होगी डिस्ट्रेस फैसिलिटी के लिए। मान लीजिए कि आप 36 घंटे काम कर रहे हैं, आपको कोई आपका ऑफिस पेशेंट तंग कर रहा है या आपका कोई स्टाफ तंग कर रहा है, तो आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे? तो आप तुरंत उस हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करेंगे। आप व्हाट्सएप हो सकता है, सोशल मीडिया का मेथड हो सकता है, और भी आने वाले समय में इसमें सुधार हो सकता है, ताकि कोई भी अगर स्टाफ दिक्कत में है वो हेल्प के लिए पहुंच सके। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी मेडिकल रिलेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स, ये कानून सब पे लागू होगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, सब पे ये लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस बनाते समय एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशन के ही लोग रखे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और उनसे कहा गया है कि आप सारे स्टेक होल्डर से बात करें, राज्य सरकारों से बात करें, और 2 महीने के अंदर ये गाइडलाइंस फाइनल करें। 3 हफ्ते में आप इंटरिम रिपोर्ट दें कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, और भारत सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। कहने का मतलब यह है कि मुद्दा गंभीर है, सीरियस है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल टास्क फोर्स जो हमने गाइडलाइन दी है उसमें और चीजें जोड़ सकती हैं, कम नहीं करेंगे। इसका मतलब इस समय सुप्रीम कोर्ट पूरे सख्ती के मूड में है कि हम हॉस्पिटल्स की सुरक्षा बढ़ाएं। दोस्तों, जब हॉस्पिटल्स की सुरक्षा बढ़ेगी, डॉक्टर्स की सुरक्षा बढ़ेगी, रेगुलर ऑडिट होंगे, तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल्स की भी कंडीशन सुधरेगी, और अगर नहीं सुधरती है तो आपके पास पूरा आज सोशल मीडिया का तंत्र है, RTI का तंत्र है, आप जानकारी मांग सकते हैं और लोकल कोर्ट में केस करके ये कह सकते हैं कि साहब ये हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है। तो जो भी प्रमोटर हैं, जो भी उसके इंचार्ज हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट,
उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी। और क्योंकि हर 3 महीने में ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिट एजेंसी की भी जिम्मेवारी होगी कि कहीं वो फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं बांट रहे। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। उम्मीद है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन के बाद हम भारत में हॉस्पिटलों की कंडीशन में सुधार देख सकते हैं। लेकिन ये सुधार क्या पहले नहीं हो सकते थे? क्या एक महिला डॉक्टर को, एक जूनियर डॉक्टर को अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ी इस सुधार के लिए? क्या इसके बगैर नहीं हो सकता था? चिंता की बात ये है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ सवाल है। समाज में जितनी जागरूकता आएगी, उतना हम एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बना सकते हैं। आपने इस वीडियो के लिए टाइम निकाला, फिलहाल अब अपना ध्यान रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।